जी, आज का टॉपिक है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, जो कि एमडी कैट के लिहाज से हम देखेंगे। अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि पिगमेंट्स जो अब्सॉर्ब करते हैं लाइट को, कितनी अब्सॉर्ब करते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देखते हैं कि जो लाइट का कलर है कितना इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बेसिकली अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देखेंगे, ये शो करता है हाउ मच लाइट इज अब्सॉर्ब। तो यहां पे हमने लाइट की अब्सॉर्प्शन को शो करना है, और ये शो करता है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ कलर इन फोटोसेंथेसिस। तो फोटोसेंथेसिस में कौन सा कलर इफेक्टिव होता है ये शो किया जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर। अब्सॉर्प्शन सब करते हैं, जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अब्सॉर्प्शन करते हैं। तो ये शो करता है ऑल पिगमेंट्स, ऑल पिगमेंट्स। अब ऑल पिगमेंट्स में आपको याद रखना होगा, क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, क्लोरोफिल सी भी है, और इवन कैरोटीनॉइड भी होता है। और जो एक्शन वाला पिगमेंट है जो कि कलर को यूज करेगा फोटोसेंसिस के अंदर, वो आपको पता है एक ही है, और उसका नाम है मेन पिगमेंट। तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ सिर्फ मेन पिगमेंट्स शो करता है, और उसका नाम है क्लोरोफिल ए। तो एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ सिर्फ क्लोरोफिल ए के लिए होता है, और जो ऑल पिगमेंट्स के लिए होता है वो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि सारे पिगमेंट्स लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। तो हम अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन सब के लिए बनाते हैं, और एक्शन स्पेक्ट्रम किसके लिए होता है, सिर्फ क्लोरोफिल ए के लिए होता है। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये बेसिकली अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है, और ये ग्राफ जो है ये किसका है, एक्शन स्पेक्ट्रम का है। अगला पॉइंट देखना, पीक्स, बुलंदी। इनकी जो पीक्स होती है इस ग्राफ के अंदर, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीक्स होती है बुलंदी, ये शॉर्ट होती है, छोटी होती है। मगर जब एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीक्स को देखा जाए, ये काफी हाई होती है। तो दोनों ग्राफ में जरा फर्क देखेगा, इनकी पीक्स हमेशा लो होती है एज कंपेयर टू एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहां पे आपने फर्क करना है कि जो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम पीक बनाते हैं, ये लो बनाते हैं, छोटी बनाते हैं, ठीक है। और यहां पे जो पीक बनाते हैं, ये आपने याद रखना है, एक्शन स्पेक्ट्रम में हमको कितने बनाते हैं, इसके ग्राफ में हम हाई बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये और ये पीक के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, हम इसको कहते हैं वैली। अब आपने ये याद रखना है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ होगा, इसमें जो वैली होती है वो नैरो होती है, वो नैरो होती है, ये याद रखना है आपने। अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वैली होती है, जैसे ये आपके पास क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल रेड वाला है, ग्रीन वाला मैंने क्लोरोफिल बी की अब्सॉर्प्शन बताई है, और ये ब्लू वाली मैंने आपको कैरोटीनॉइड की अब्सॉर्प्शन बताई है। क्लोरोफिल ए की एक पीक को देखो, और ये दूसरी पीक है, और आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक, एक पीक से दूसरी पीक तक जो डिस्टेंस है, देयर कॉल्ड वैली। इसकी जो वैली होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, वो वाइड होती है। तो आपने एमडी कैट के यहां पे लिहाज याद रखना है कि इसके ग्राफ में जो वैल्यू होगी वो नैरो होगी, इस ग्राफ के अंदर वाइड होगी। इनकी जब भी हम ग्राफ में पीक बनाते हैं वो हाई बनाते हैं, और इसकी जो पीक बनाते हैं वो लो बनाते हैं। ये जो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, ये लो एफिशिएंट होता है, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसेंसिस क्लास जो हम देखते हैं, तो ये काफी ज्यादा हाई इफेक्टिव होता है, जिसका नाम है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब यहां पे आपने एक चीज को याद रखना है, इस ग्राफ के ऊपर आते हैं जरा, क्लोरोफिल ए को देखो, ये मैंने यहां पे बुलंदी उठाई है, फिर दोबारा मैंने यहां पे एक बुलंदी उठाई है, मतलब ये एक पीक यहां पे बनाई है और एक पीक यहां पे बनाई है। ये पीक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये पीक यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो क्लोरोफिल ए है इस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है लाइट की, और वो कितनी होती है, वो होती है 430 नैनोमीटर। फिर यहां पे नीचे गिर गया, आगे वाली जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, बहुत कम कर रहा, बहुत कम कर रहा, बहुत कम कर रहा, और यहां पे अगेन मैंने इसको उठा दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की जो लाइट है बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए, और वो कितनी होती है याद रखना, वो होती है 470 नैनोमीटर। तो एक पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है कि क्लोरोफिल ए जो सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है विजिबल लाइट को, एक वेवलेंथ है 430 नैनोमीटर, और एक वेवलेंथ है 470 नैनोमीटर है। अब देखें क्लोरोफिल बी को, मैंने क्लोरोफिल बी को यहां पर उठाया ग्रीन वाले को, अब इस
वेवलेंथ को ये सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल भी, और वो कौन सी वाली है, वो है 470 नैनोमीटर। तो 470 नैनोमीटर वेवलेंथ को सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है क्लोरोफिल बीम। अब अगेन देखो नीचे गिरते 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 यहां पे बहुत कम बहुत कम, और अगेन मैंने पीक उठा लिया इस जगह पर, ये अगेन काफी ज्यादा अब्सॉर्ब करता है वेवलेंथ को, और वो कितनी है, वो है 640 नैनोमीटर। तो जो क्लोरोफिल बी है वो जो लाइट की अब्सॉर्प्शन करता है वो दो जगह पर सबसे ज्यादा है, एक 470 है और एक 640 नैनोमीटर है, और क्लोरोफिल ए 430 नैनोमीटर है और एक कौन सी 470 नैनोमीटर है। तो ये क्लोरोफिल ए की अब्सॉर्प्शन पीक पर है और ये क्लोरोफिल बी की तो अब्सॉर्प्शन पीक पर है, और ये जो मैं अब्सॉर्प्शन बता रहा हूं जिस स्पेक्ट्रम के अंदर, इसका नाम है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है ये, और ये जो ग्राफ है ये किसके एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। जैसे कि आपको पता है ये जो मैंने दो बनाए हैं, आपको मैंने बताया भी है कि ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है एक्शन का वो सिर्फ एक है, क्लोरोफिल ए का। तो आप देख सकते हैं जो क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए का मैंने स्पेक्ट्रम बना के दिखाया है कि कहां कहां पे ज्यादा ये इफेक्टिव है। ए कर रहा है यहां पर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं वो कितना होगा 430 नैनोमीटर के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, और एक है यहां पर और वो भी मैं आपको बता चुका हूं वो कहां पे है 470 नैनोमीटर है। तो ये जो विजिबल लाइट है 430 और 470 यहां पे ज्यादा एक्शन करता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, और यहां पे मैंने अब्सॉर्प्शन का बताया क्लोरोफिल ए कौन से अब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी कौन से करता है, कैरोटीनॉइड डिफरेंट करता है, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। कैरोटीनॉइड डिफरेंट कलर को डिफरेंट जगह पे अब्सॉर्ब ज्यादा करता है, मगर जो मेन थे वो दो थे, क्लोरोफिल ए और एक कौन सा क्लोरोफिल बी है। तो ये दोनों में कंपैरिजन था क्लोरोफिल अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और दूसरा कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। आपको डेफिनेशन का पहले पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पिगमेंट कौन सा शो करता है, और लास्ट में आपको ये पता होना कि ग्राफ के लिहाज से मैंने दो पॉइंट्स बनाए थे, एक पीक बताया था और एक मैंने वैल्यू बताया था, और फिर मैंने यह बताया था कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होता है स्पेक्ट्रम, वो आपको मैंने बताया कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के।